प्रशांत किशोर की रणनीति पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भारी पड़ी है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में टेंपल रन के दौरान ममता बनर्जी के साथ हुआ हादसा, अस्पताल में हुई भर्ती। ममता बनर्जी ने इसे भाजपा की साजिश बताया, पर प्रत्यक्षदर्शियों ने उनके झूठ की पोल खोल दी है। TFI पर आपका स्वागत है, मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ कैसे ममता बनर्जी ने अपनी लापरवाही से लगी चोट के जरिए पश्चिम बंगाल की जनता को भ्रमित करने की कोशिश की, पर उनका ये पैंतरा उन पर ही भारी पड़ गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर हिंदुओं के तुष्टिकरण की नीति के तहत ममता के प्रचार की नीति अपना रहे हैं, लेकिन उनकी ये प्लानिंग इस बार पूरी तरह फेल हो गई है। ममता ने अपनी लापरवाही के चलते प्रशांत किशोर के प्लान पर पानी फेर दिया है, क्योंकि नंदीग्राम में PK के सिखाए मार्ग पर चलते हुए ममता नंदीग्राम की सीट पर मंदिर मत्था टेक रही थी, तभी कार में बैठे होने के दौरान उनके पैर में ही उन्हीं की लापरवाही के कारण चोट आ गई, जिसके चलते अब वो राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी BJP पर निशाना साध रही हैं। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के सामने चुनाव लड़ने का दावा कर ममता ने अपने लिए बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। ऐसे में वो अब प्रशांत किशोर की रणनीति पर चलते हुए मंदिरों के दर्शन की तस्वीरें क्लिक करवा रही हैं, जिससे उनकी छवि किसी हिंदू हितैषी नेता की बने। लेकिन ममता की किस्मत इस मुद्दे पर भी एक बार फिर धोखा खा गई है, क्योंकि नंदीग्राम के इसी चुनाव प्रचार के दौरान उनके गिरने से पैर में चोट आ गई है, जिसके बाद वो कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती हैं। इस पूरे मुद्दे पर ममता बनर्जी BJP को घेरने की कोशिश कर रही हैं। ममता और TMC के नेताओं का इस मुद्दे पर सीधा आरोप BJP पर है। ममता का कहना है कि उन्हें गिराने के लिए पीछे से किसी ने धक्का दिया था, जिसके चलते उनके पैर के साथ हादसा हुआ और उस हादसे में पैर फ्रैक्चर हो गया। वहीं ममता और TMC के दावों के विपरीत हादसे के दौरान प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बयान दिए हैं वो ममता को ही कटघरे में खड़े करने वाले हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि ममता को उनके पीछे से किसी ने भी धक्का नहीं दिया था। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक चश्मदीद ममता को लगी चोट के लिए उनकी ही लापरवाही को एक बड़ा कारण बता रहे हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी चितरंजन दास ने बताया, मैं वहां मौजूद था, वो अपनी कार के अंदर बैठी थी, लेकिन दरवाजा खुला था, दरवाजा एक पोल से टकराने के बाद बंद हो गया, किसी ने धक्का नहीं दिया और ना ही मारा, उस समय दरवाजे के पास कोई था और ममता को उनकी लापरवाही के कारण ही चोट लगी है। वहीं इस मुद्दे पर ममता का कहना है कि उन्हें 4-5 लोगों ने पीछे से धक्का दिया था। उनका कहना है कि उस वक्त यहां पुलिस का एक सिपाही तक मौजूद नहीं था, क्योंकि ममता मानती है कि उनके पैर को कुचलने की साजिश पहले से ही रच ली गई थी। कोलकाता के SSKM अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया है कि ममता की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिहाज से बात करें तो चोट लगने के बाद ममता के एक जगह बैठे रहने से सबसे ज्यादा नुकसान TMC को होगा। वहीं इस पूरे खेल के सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं, ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ममता के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने पर पहले ही TMC के कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा हो चुका है। ऐसे में PK ठीक वही चाल चल रहे हैं जो एक वक्त उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठबंधन के दौरान चली थी। प्रशांत किशोर के पास जब विधानसभा चुनाव को लेकर मुद्दे खत्म हो जाते हैं तो वो खुद ही इस तरह के धार्मिक मंदिर मस्जिद वाले मामले उठाने लगते हैं, और वो ममता बनर्जी के साथ भी यही पैतरा आजमा रहे हैं, जो दिखाता है कि ये शख्स तुष्टिकरण का एक मास्टर खिलाड़ी है। PK के पैतरों को अंजाम देने की कोशिशों में लगी ममता बनर्जी को बड़ा झटका उनकी खुद की लापरवाही के कारण लगा है, क्योंकि वो TMC की मुख्य नेता है और चुनाव से पहले उनको चोट लगना TMC के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब बन सकती है। ऐसे में ममता बनर्जी अब राज्य की जनता के बीच BJP पर हमले का आरोप लगाकर सहानुभूति के वोट बटोरने की कोशिश में थी, लेकिन ममता बनर्जी के काफिले के ही साथ चल रहे चश्मदीदों ने अब ममता के झूठे दावों की पोल खोल दी है। BJP के बढ़ते जनाधार के कारण हार के डर से ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर अपनी आखिरी पारी चल रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी की राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण अब उनकी सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई है, क्योंकि ममता दीदी का जनता के सामने अच्छी तरह से पर्दाफाश हो चुका है।